हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम एक वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाएंगे। जो नए इन्वेस्टर है मार्केट में, या फिर जो स्टूडेंट है, या फिर जो नए लोग आने वाले हैं मार्केट में, या फिर जो ट्रेडर है, तो उनको दिखाएंगे कि इन्वेस्टमेंट की पावर क्या रहती है। और ये जो है तो हम कैरेड आउट करेंगे। इसके सिंपल रूल्स होंगे, वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा ही। और इसको हम हर एक दो हफ्ते के बाद ट्रैक करते जाएंगे। इसमें कुछ स्टॉक ऐड भी करेंगे, इसमें कुछ स्टॉक निकाल भी सकते हैं हम प्रॉफिट बुक करके। तो देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट कैसे जाता है। और ये इसका जो है तो अभी नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो चुका है, तो ये हम ईयर टू ईयर भी देख सकते हैं कि हम कितना रिटर्न निकाल सकते हैं। और इसका जो बेस रहेगा, हम हर एक स्टॉक 10,000 के लेंगे, क्योंकि यहाँ जो है तो और मोस्टली FNO के स्टॉक रहेंगे। 99% FNO की जो स्टॉक रहेंगे उसमें ही ट्रेड करेंगे। 10,000 इसलिए क्योंकि कुछ स्टॉक की जो कीमत है वो लगभग 10,000 के करीब है, और एक मॉडरेट अमाउंट है। हर कोई जो मीडियम टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है वो 10,000 रुपये एक स्टॉक में बिल्कुल लगा सकता है। आप 1,000 रुपये भी के साथ में स्टार्ट कर सकते हो, मगर उसमें दिक्कत ये है क्योंकि जो बड़े ब्लू चिप स्टॉक है जैसे कि रिलायंस इन्फिनिटी, तो उनके शेयर ही आप खरीद नहीं पाओगे क्योंकि उनका प्राइस 1,800, 1,900 या फिर 2,000 से ऊपर है। तो 1,000 रुपीज़ में वो शेयर तो आपको मिलेंगे ही नहीं। तो इसलिए हम बेस प्राइस रखेंगे 10,000 का। हर एक स्टॉक में हमारा जो एक्सपोजर रहेगा वो 10,000 का ही रहेगा। और इसमें जो है तो मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग जो है तो हम 25-50% या फिर 100% के अराउंड करेंगे, या फिर चार्ट को देखकर भी करेंगे। चार्ट में जो टारगेट्स हैं हमारे, उसको उस वो आने पे जो है तो उसमें प्रॉफिट बुक करके फिर उस जो मनी निकलेगा वहाँ से उसको हम फिर से रीअलोकेट भी कर सकते हैं, या फिर उसको वैसे ही रहने भी दे सकते हैं पोर्टफोलियो में। तो आज से शुरू करते हैं। इसमें जो है तो मैंने इस हफ्ते के लिए मैंने 5 स्टॉक जो है तो शॉर्टलिस्ट किए। उसमें बायोकॉन, कोलपाल, ICICI प्रू, लालपत लैब और PEL। और इसके लिए मैंने जो है तो रेडिट पे आज की तारीख है 10 तारीख है 10 अप्रैल का एक पोर्टफोलियो बनाया है। तो इसको ही हम ट्रैक करते जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी होल्डिंग नहीं है। तो पहला स्टॉक जो है तो हमारा बायोकॉन रहेगा, और इसका सिंपल फंडा है। इसका हम वीकली चार्ट पे जो स्टॉक उसके 200 वीक के एवरेज के पास आएगा उसको हम बाइंग करेंगे। इसमें बाकी की भी चीज़ें हैं, मगर एक पहला जो मेन जो इसका रूल रहेगा तो 200 वीक का जो एवरेज है उसके अराउंड जो स्टॉक चल रहा है या फिर वहाँ से जिसने सपोर्ट लिया है वो स्टॉक में हम एंट्री करेंगे। तो पहला स्टॉक रहेगा बायोकॉन, जिसका प्राइस चल रहा है 355। तो आप इसको अगर हम देखेंगे तो 10,000 / 350, और जो LTP रहेगी लास्ट प्राइस मार्केट क्लोज होने के बाद, उस प्राइस पे हम एंटर करेंगे। तो इसमें हमें 28 स्टॉक मिलेंगे। हमें ऊपर के जो पॉइंट्स रहेंगे ये हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो पहला स्टॉक ऐड कर देते हैं इसमें बायोकॉन। इसमें हम फ्राइडे की तारीख डालेंगे 8 तारीख को, क्वांटिटी 28, परचेस प्राइस 355 रुपीज़। और NSE में ही हम मोस्ट ऑफ द ट्रेड करते हैं, मोस्टली मैं भी NSE में ट्रेड करता हूँ, तो NSE चूज़ करेंगे। पहला स्टॉक ऐड कर दिया, तो बायोकॉन आप देख सकते हैं कि 28 क्वांटिटी 355 रुपीज़, लगभग 9,940 रुपये हमारे इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा कोलपाल, जो जिसकी लास्ट क्लोजिंग है 1,564 रुपये पे, लगभग 22 रुपये नीचे बंद हुआ है। और यहाँ इसको हम ऐड कर देंगे, तो चलो देखते हैं 10,000 में कितने आते हैं। 10,000 / 1,564, तो ये 6 स्टॉक आएंगे। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं कोलपाल, तारीख जो रहेगी फ्राइडे की 8 तारीख, 6 स्टॉक आएंगे और इसका प्राइस था 1564 NSE ऐड स्टॉक। तो हमारे 2 स्टॉक ऐड हो चुके हैं। हमने जो टोटल कॉस्ट थी 19,324 रुपये, उसके अराउंड ही उसकी वैल्यू चल रही है। तो यहाँ और एक स्टॉक ऐड करेंगे ICICI लोमबार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो ये 1380 पे चालू है,
देखते हैं 10,000 में कितने आते हैं। 1380 सात स्टॉक आएंगे हमें, तो 7 स्टॉक ऐड कर देंगे हम। यही से है लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस 8 तारीख 7 स्टॉक 1380 इन सी एड स्टॉक। तो 3 स्टॉक हो चुके हैं हमारे, लगभग 30,000 रुपये के अराउंड हमारे इन्वेस्टमेंट है, उतनी ही वैल्यू चल रही है उसके अराउंड ही है। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, तो इसमें है लाल पैथ लैब। लाल पैथ लैब जो है, तो आप देख सकते हैं कि उसने 200 वीक के एवरेज के अराउंड जो है तो सपोर्ट लिया यार, अभी ये बाउंस बैक कर रहा है, तो ये 2803 के अराउंड चल रहे हैं। तो देखते 10,000 में शायद ये 3 ही आएंगे हमें, थोड़ा यहाँ एडजस्टमेंट भी करेंगे हम। अगर 10,000 के थोड़ा सा ऊपर जाता है तो उसको 3.5 आते हैं, तो 3 ही पकड़ते हैं हम, तो 3 ही स्टॉक ऐड करेंगे। आठ तारीख 3.3 और इसका प्राइस है 2803 इनएसी ऐड स्टॉक। ठीक है, ये चौथा स्टॉक ऐड कर दिया हमने, और अभी इसमें जो है तो लास्ट स्टॉक है पीएल। तो पीएल आप देख सकते हैं कि यहाँ इसने सपोर्ट लिया है 200 वीक के एवरेज के अराउंड, और अभी यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, ये 2340 पे चालू है, तो लगभग ये 4 स्टॉक आ जाएंगे हमें 4.3, तो 4 पकड़ लीजिए, तो इसको ऐड कर देते हैं 8 तारीख 4.3 2340 स्टॉक। तो लगभग हमने इस हफ्ते जो है तो 47,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए समझो, लगभग उतने पे ही चालू है। आप थोड़ा बहुत देखोगे ये जो है तो यहाँ दिखा रहा है लगभग उसके अराउंड ही इसकी पोर्टफोलियो की प्राइस चालू है, तो इसको हम ट्रैक करते रहेंगे, इसमें स्टॉक ऐड भी करते रहेंगे, और हो सकता है कि अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है तो हम इसमें प्रॉफिट भी बुकिंग करेंगे एट अ सर्टन लेवल और टारगेट अच्छे होने के बाद। टारगेट जो रहेंगे हमारे मोस्टली जो पिवट लेवल्स हैं वो रहेंगे मोस्टली R3 के अराउंड जो है, तो हम पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर बीच बीच में हमें अगर लगता है कि स्टॉक वीक हो रहा है एज अ प्राइस वाइज और इंडिकेटर वाइज, तो हम वहाँ भी जो है तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो है तो कितने रिटर्न निकल पाता है, और इसको जो है तो हम फॉलोअप करेंगे लगभग हर एक दो हफ्ते में, और कुछ नया स्टॉक रहा तो इसमें हम बीच में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है हमने, इसमें आज हमने बायोकॉन, कोलगेट पैमोलिव, लाल पैथ लैब, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और पिरामल एंटरप्राइजेस, और इनमें हर एक स्टॉक हमने 10,000 के लिए अराउंड 10,000 में जितने स्टॉक आते हैं, हो सकता है कि कम पैसे भी लग सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि 8,400 रुपये लग गए, और कई जगह हमें थोड़ा सा 10,000 के ऊपर भी लग सकते हैं, क्योंकि हमें एक राउंड फिगर अचीव करना है, तो उसके वजह से हम उसमें थोड़ा सा ओवरवेट भी जा सकते हैं 10,000 के ऊपर। तो हमारा मोस्टली टारगेट रहेगा कि 10,000 रुपये ऑन एन एवरेज हम इन्वेस्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं इसमें, और ये जो है तो एक मॉडल पोर्टफोलियो रहेगा, आप इसको देखिए, इससे आपको एक समझ में आ जाएगा कि पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कैसे करना है, कौन से लेवल पे करना है, उसकी चर्निंग कैसे करनी है, और पोर्टफोलियो जो है तो आपको कितने रिटर्न देने की ताकत रखता है अगर आप होल्ड करते हो और टाइमली प्रॉफिट बुक भी करते हो। सिंपल जो टेक्निक है वो आपको फॉलो करनी है, यहाँ मैंने सिंपल टेक्निक क्या फॉलो की है कि जब भी स्टॉक जो है तो 200 वीक के अराउंड आएगा या फिर वहाँ से सपोर्ट लेगा तो उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, हम मोस्टली प्रॉफिट बुक करेंगे R3 पे, जब भी स्टॉक R3 के अराउंड आता है तो हम उसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और फिर से नए स्टॉक में जो है तो हम वही जो रकम है वो इन्वेस्ट करेंगे, मगर वो रकम हम सिर्फ 10,000 ही पर स्टॉक इन्वेस्ट करेंगे। अगर हमारा कोई स्टॉक जो है तो अच्छा खासा कमाई करता है और हमारे कुछ स्टॉक नेगेटिव कमाई करते हैं तो हम जो है तो वो अमाउंट से उनको एवरेज भी करेंगे। यहाँ मोस्ट ऑफ द लोग कहते हैं कि एवरेज नहीं करना चाहिए, मगर
आप अगर क्वालिटी कंपनीज में या फिर क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो और वो हमें नीचे के दाम पे मिल रही है, तो आपको बिल्कुल उसको एवरेज आउट करना चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू है। और ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, इसको ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मगर ये मोस्टली हम देखेंगे एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज। इसमें हम ट्रेडिंग भी लेंगे क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर रेजिस्टेंस के अराउंड और हमें लगता है कि स्टॉक अभी पूरा चल चुका है, यहाँ से उसके ऊपर जाने के चांसेस कम है, तो उसमें हम वैसे डिसीजन लेके उसको उस तरह से प्रॉफिट भी बुक करेंगे। तो आई होप सो कि जो अभी ये हम वर्चुअल पोर्टफोलियो एक्सपेरिमेंट कैरियर आउट कर रहे हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप जो है तो आपको प्रैक्टिकली देखने को भी मिलेगा कि किस तरह से पोर्टफोलियो परफॉर्म करता है। और अच्छे खासे लेवल पे अगर आप एक बेस्ट बाय लेवल पे अगर स्टॉक में एंटर करते हो तो आपको कितने अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस और ये जो पोर्टफोलियो हमने क्रिएट किया है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी प्रीमियम सर्विसेज ज्वाइन करनी है तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.